वक्त के साथ बदल रही है उत्तर प्रदेश की सियासत। राजभर से मुलाकात पर बीजेपी नेता का बड़ा बयान, योगी के मंत्री के बयान से सियासी हलचल तेज। दया शंकर, राजभर की मुलाकात पर क्यों मचा है बवाल। जिस बीजेपी को हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव से पहले ओम प्रकाश राजभर पानी पी पी कर कोस रहे थे, जिन बीजेपी नेताओं का डर दिखाकर वो जनता से अपने लिए समर्थन मांग रहे थे, अगर उसी सियासी दल के नेताओं से मुलाकात होगी, बंद कमरे में बात होगी, तो चर्चा तो सरेआम होगी ही, चर्चा ये भी होगी कि क्या ओम प्रकाश राजभर का मन बदल रहा है। जिस बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने का ऐलान चुनाव से पहले राजभर हर मंच से कर रहे थे, कहीं वही बीजेपी का पराया घर उन्हें अपना तो नहीं लगने। दरअसल ये तमाम सवाल तब उठने लगे जब राजभर से मुलाकात पर योगी सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह ने बयान दिया। हाल ही में दयाशंकर सिंह और राजभर की मुलाकात हुई थी, दोनों के बीच बंद कमरे में बातचीत हुई। इस मुलाकात ने उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नए सियासी तस्वीर के कयासों को जन्म दे दिया। ऊपर से इन कयासों को बल तब मिल गया जब मीडिया से बात करते हुए दयाशंकर सिंह ने कह दिया, राजभर मेरे अच्छे दोस्त हैं, पहले भी हमारी सरकार में मंत्री रह चुके हैं, बीजेपी में आने के लिए उन्हें किसी लिंक की जरूरत नहीं है, आज भी राजभर के बीजेपी में शीर्ष नेताओं से पहले की तरह ही रिश्ते कायम हैं। सैद्धांतिक रूप से राजभर उन्हीं गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं जिनकी लड़ाई पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी लड़ रहे हैं। दयाशंकर सिंह के इसी बयान की चर्चा अब यूपी के सियासी गलियारों में हो रही है। निश्चित तौर पर दोनों में चुनाव से पहले भी इसी तरह की मुलाकात हुई थी, तब भी तमाम तरह के कयास लगाए गए। हालांकि राजभर ने इस मुलाकात पर पहले ही सफाई दे दी थी कि दयाशंकर सिंह मंत्री हैं, ऐसे में उनसे मुलाकात कर सिर्फ अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में बातचीत हुई और जनता के लिए काम करने की अपील की है। साथ ही बीजेपी में जाने के सवालों पर उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि वो बीजेपी में नहीं जाने वाले, बल्कि उनका गठबंधन सपा के साथ मजबूती के साथ है और फिलहाल सपा के साथ मिलकर 2024 के आम चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल ओम प्रकाश राजभर को लेकर इसलिए भी सियासी गलियारों में भ्रम रहता है क्योंकि उनके बारे में अक्सर ऐसा कहा जाता है कि वो एक ऐसे नेता हैं जो कब क्या करेंगे इसकी जानकारी किसी को नहीं होने देते। यही वजह है कि जब दयाशंकर सिंह ने उनसे मुलाकात की तो उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म हो गया और राजनीतिक पंडित अपने अपने हिसाब से इस मुलाकात के सियासी मायने निकालने लगे। बहरहाल राजभर ने भले ही ये कह दिया हो कि उनकी पार्टी का गठबंधन सपा के साथ आज भी उसी मजबूती के साथ है जैसा चुनाव से पहले था, लेकिन दयाशंकर सिंह के बयान से तो ऐसा लगता है कि बंद कमरे में शिष्टाचार मुलाकात तो हुई लेकिन चर्चा शिष्टाचार की जगह सियासी हुई। खैर, सियासत में दो अलग अलग दल के नेताओं की मुलाकात होती है तो तमाम तरह की चर्चाएँ भी होती है और कयास भी खूब लगाए जाते हैं। ऐसे में देखना होगा कि आगे उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या नया देखने को मिलता है। नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। डाउनलोड रेल रेस्टोरेंट ऐप एंड गेट टेस्टी फूड्स ऑन योर सीट।